और हम सबको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी राज्य में बिहार में जातीय गणना नहीं हो इसके लिए पहले से पर्दे के पीछे से प्रयासरत रही है, आगे भी रहेगी, लेकिन उनको कोई लाभ नहीं मिलने वाला। आपको एक चीज़ बता दें कि जातीय जनगणना के संबंध में आप अगर पुराने इतिहास में जाएंगे तो जब इस देश में मंडल कमीशन लागू हुआ था तो सर्वोच्च न्यायालय में एक मुकदमा दायर हुआ था। पटना हाईकोर्ट ने जाति आधारित गणना पर अंतरिम सुनवाई करते हुए रोक लगा दी है और इसका आरोप अब जदयू भाजपा के मथे मर रही है। सीधे तौर पर जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने साजिश के तहत पर्दे के पीछे रहकर कोर्ट में जो याचिका है वो दायर करवाई है। कहीं ना कहीं भाजपा जो खेल करना है करे, जाति आधारित गणना पर जो कोर्ट का ऑर्डर आया है उस पर सरकार जो है वो स्टडी कर रही है। क्या कह रहे हैं जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, पहले हम आपको सुनाते हैं। जातीय जनगणना आवश्यकता है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जातीय जनगणना का जो फैसला किया वो सभी दलों की सहमति से किया। अब कुछ दल पर्दे के पीछे से अगर जातीय जनगणना का विरोध करवा रहे हैं, कोर्ट में मुकदमा करवा रहे हैं, वो सब काम कर रहे हैं, तो उस पर कोर्ट का जो भी फैसला आया है उस फैसले के आधार पर कानूनी राय लेकर जो भी उचित कदम होगा राज्य सरकार अवश्य उठाएगी। लेकिन आपको एक चीज़ बता दें कि जातीय जनगणना के संबंध में आप अगर पुराने इतिहास में जाएंगे तो जब इस देश में मंडल कमीशन लागू हुआ था तो सर्वोच्च न्यायालय में एक मुकदमा दायर हुआ था और सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने ये विश्लेषण किया था, और ये निर्देश दिया था कि सभी राज्यों में गणना कराई जाए, सभी जाति के लोगों को, सभी धर्म के लोगों को। तो अगर राज्य सरकार बिहार में अगर जातीय गणना करा रही है तो जातीय गणना को और जातीय जनगणना दो अलग अलग चीज है, एक को कैसे मिला दीजिएगा? आखिर सुप्रीम कोर्ट ने नगर निकाय के और पंचायत के चुनाव के लिए ये निर्देश दिया ना कि ट्रिपल टेस्ट कराइए, तो ट्रिपल टेस्ट क्या होता है? वही सर्वे है। हम रोड बनवाते हैं, हम सड़क बनवाते हैं, हम पुल बनवाते हैं, तो सर्वे करते हैं ना, सर्वे के आधार पर ही हम करते हैं कि कहाँ जरूरत है कहाँ नहीं जरूरत है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी ट्रिपल टेस्ट का आदेश दिया है। तो इसलिए जो भी पटना उच्च न्यायालय का आदेश आया है उसकी समीक्षा कर रहे हैं, जो विधि वाले लोग हैं विधि विभाग के, वो उसकी समीक्षा करके जो भी उसमें कार्रवाई होगी वो की जाएगी। लेकिन इतना बता दें कि गाजियाबाद में रहने वाला व्यक्ति बिहार में जातीय गणना से कैसे प्रभावित हो रहा है? मुकदमा कर रहा है गाजियाबाद का आदमी। तो ये सब कई चीज़ें हैं जिसमें पर्दे के पीछे से खेल हो रहा है और हम सबको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी राज्य में बिहार में जातीय गणना नहीं हो इसके लिए पहले से पर्दे के पीछे से प्रयासरत रही है, आगे भी रहेगी, लेकिन उनको कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। झारखंड गए थे। अभी आप जातीय गणना पर बात कर रहे हैं ना, बाकी जो होगी उस पर जो भी होगा वो आपको समय आने पर सब बता दिया जाएगा कि क्या निष्कर्ष निकला उसका। सीधे तौर पर जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने इशारों में ये जरूर कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो पर्दे के पीछे रहकर जनहित याचिका बीजेपी ने ही दायर करवाया कोर्ट में, जिस वजह से कोर्ट ने इस जाति आधारित गणना पर स्टे ऑर्डर लगा है। लेकिन फिलहाल सरकार अगला कदम उठाने से पहले पुरजोर तैयारी जो है वो कर रही है, ये कहना है जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का। सहयोगी दिवाकर के साथ विशाल भारद्वाज, एच डी न्यूज़, पटना।